कहो कहो राहुल, अखिलेश मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? योगी जी तुम भी खाना शुरू करो, शिवराज सिंह जी तुम भी खाओ। मोदी जी, आज आपने हमें दावत पे बुलाया तो हम तो समझे अच्छे अच्छे पकवान बनाओगे आप, लेकिन आपने तो ये मिर्ची का अचार और आम का अचार हमारे सामने रख दिया। मोदी जी, ये मिर्ची का अचार मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो राहुल, जो मुझसे बन पड़ा वो तुमको मैं खिला रहा हूँ। अगर मिर्ची का अचार तुम्हें पसंद नहीं है खाना, लो ये आम का अचार खा लो। मोदी जी, मुझे आम का भी अचार खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो राहुल, इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। मैंने आम का भी अचार तुम्हारे सामने रखा, मिर्ची का भी अचार तुम्हारे सामने रखा। अगर मैं और कोई पकवान भी तुम्हारे सामने रख दूंगा, क्या पता वो भी तुम्हें पसंद ना हो। इसीलिए राहुल, तुम ऐसा करो, अचार को छोड़ो, खाली रोटी खा लो। लेकिन मोदी जी, एक बात मैं आपको साफ साफ बताऊं, आपको कोई सब्जी तो बनाना चाहिए थी। आपने रोटी और आम का अचार और मिर्ची का अचार सामने रख दिया। अगर कोई दावत खिलाओ तो मन से खिलाओ, अब ये क्या अचार लाके तुमने रख दिया। योगी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। ये आम का अचार या मिर्ची का अचार मुझे फ्री में तो मिल नहीं गया है, बाजार से अच्छी कीमत में खरीद के लाया हूँ मैं। अगर मैं तुम लोगों को सब्जी खिलाता तो सब्जी भी तो पैसे से ही बनती, और ये पैसे से आम का अचार खरीद के लाया हूँ, खाओ इसे। कहीं फ्री में अचार थोड़ी ले आया मैं। वैसे मोदी जी, एक बात कहूँ, आम का अचार तो मुझे बहुत पसंद है। आम का अचार तो आपने अपने पास रख रखा है, हमारे सामने मिर्ची का अचार रख दिया है। आम का अचार इधर लाओ। अखिलेश, कैसी बात करती हो, लो आम का अचार तो जितना चाहे उतना खा सकती हो, लो खाओ। अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ, ये हमारे सामने जो बड़े बड़े गिलास रखी है, इनमें क्या है, पानी है क्या? नहीं राहुल, इन गिलासों में पानी नहीं है, चाय है, चाय। अगर तुम लोगों को अचार खाना पसंद नहीं है तो चाय पी लो मेरे हाथ की, मैंने अपने हाथ से चाय बनाई है, गिलास में रखी हुई है, पी लो। शिवराज सिंह जी, आप तो चुपचाप बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। मोदी जी, क्या बोलूं मैं तो अब रोटी के साथ चाय पीऊंगा, क्योंकि मुझे भी अचार खाना पसंद नहीं है, और आपने बताया कि गिलास में चाय रखी हुई है, अब मैं रोटी का रोल बना के चाय के साथ पीऊंगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करें लालू जी, वापस लौट चुके हैं, आज तीसरा दिन है घूमते घूमते, किसी भी गांव में मजदूरी नहीं मिली है, अपना लोग यूं ही मजदूरी की तलाश में फिर रहे हैं, बोलो क्या करा जाए। मैं तो कहता हूँ मोदी जी, बस आगे वाला गांव और देख लेते, शायद वहां पर मजदूरी मिल जाए। मुझे पूरी उम्मीद है वहां पर मजदूरी मिल सकती है। आगे वाले गांव में मेरा एक करीबी दोस्त मजदूरी करता है। अरे ये भाई साहब मिल गए, इनसे पूछ लेते हैं, ये आगे वाले गांव के ही लग रहे हैं। क्यों भाई साहब? जी बोलिए, क्या बात है? अरे हम सब लोग रोजगार की तलाश में निकले हैं, मजदूरी की तलाश में, क्या आगे वाले गांव में मजदूरी मिल सकती है? क्या लगता है तुम्हें? भाई तुम लोग जिस गांव की तरफ जा रहे हो, उस गांव को छोड़कर मैं आ रहा हूँ। उस गांव में कोई भी मजदूरी का साधन नहीं है, इसीलिए मैं दूसरे गाँव में मजदूरी करने जा रहा हूँ, जिधर से तुम आ रहे हो। अरे भाई, इधर से तो तीन चार गाँव पार करके आ रहे हैं हम, वहाँ तो मजदूरी मिली नहीं, तुम वहाँ पर क्या करने जा रहे हो? क्यों मोदी जी, अपना ये भी फैसला बेकार साबित हो गया। ये भाई साहब तो आगे वाले गांव से ही आ रहे, बता रहे हैं वहां पर कोई काम नहीं है, कोई मजदूरी नहीं मिल पाएगी। क्या भाई साहब, तुम जिस गांव से आ रहे हो वहां पर बिल्कुल मजदूरी नहीं है, कोई काम काज नहीं मिल पाएगा? अरे बिल्कुल नहीं मिल पाएगा काम काज। अगर तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते हो तो जाकर एक बार देखाओ। भाई मुझे तो तुम्हारी बातों पे विश्वास है। मोदी जी मैं तो वापस होता हूँ यहीं से, मैं नहीं जाऊंगा आगे बिल्कुल भी। आज तीन दिन हो गए घूमते घूमते, कहीं पर भी मजदूरी काम नहीं मिल रहा है, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं जाऊंगा। अरे राहुल, तुम्हारे पास थोड़ा पानी है, जरा पानी देना, थोड़ा तुम्हारी बोतल में थोड़ा पानी पड़ा होगा। थोड़ा थोड़ा करके सारा का सारा मेरा पानी पी गई योगी जी तुम। मैं अपने घर से तीन बोतल पानी लेके चला था, मुश्किल से मैंने आधी बोतल पानी नहीं पिया होगा, लेकिन तुम सारा का सारा पानी पी गए मेरा। वैसे मैं एक बात में योगी जी तुम्हारा समर्थन करता हूँ, आगे मैं भी काम देखने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं भी घर वापस चलता हूँ। बेफालतू में तीन दिन हो गए घूमते घूमते, एक जरा सा भी पैसे की मजदूरी नहीं हुई है, कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला है। मैं अपने गाँव में जाकर एक छोटी सी परचून की दुकान खोल लूंगा, मैं अब मजदूरी उजदूरी नहीं करूंगा भाई। चलो भाई वापस चलते हैं, क्या करा जाए, जब कहीं पे काम मिल ही नहीं रहा है तो घर ही चल के सब्जी की या किसी और चीज की दुकान खोलूंगा मैं भी। चलते हैं वापस, और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और सुबह से शाम होने को जा रही है, लेकिन अभी तक एक लीटर भी दूध नहीं बिका है, कहीं ऐसा ना हो ये सारा का सारा दूध वापस घर ले जाना पड़े, मुझे तो यही लगता है। जब मोदी जी आधा आधा पानी मिलाओगे दूध में तो दूध बिकेगा कैसे? और आपका ही दूध थोड़ी ना बिका, मेरा भी तो दूध नहीं बिका है, अखिलेश का भी दूध नहीं बिका है, सारे के सारे लोग अपने यूं ही खड़े पड़े, कोई दूध लेने के लिए आ ही नहीं रहा। राहुल हमेशा तुम यही कहते रहते हो कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ, क्या तुम दूध में पानी नहीं मिलाते हो? आज जरा कोई ग्राहक आ जाए दूध लेने के लिए, आज
दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। अरे योगी जी आ गए। योगी जी क्या दूध लोगे? ताजा भैंस का प्योर दूध है, ले लो अगर। हाँ भाई मोदी जी आए तो हम दूध लेने के लिए हैं। क्या बताया जाए, जब से लालू जी ने अपनी भैंस पालना बंद की है तब से प्योर दूध मिलता ही नहीं है। अब देखो तुम तीनों में से किसका दूध प्योर होगा। मैं किसका दूध खरीदूं, राहुल का खरीदूं या मोदी जी आपकी भैंस का दूध खरीदूं या अखिलेश की भैंस का दूध खरीदूं? मैं तो कंफ्यूज हूँ, आखिर किसकी भैंस का दूध प्योर होगा। अरे योगी जी प्योर दूध तो मेरा ही था। देखो मैं तो सबसे पहले दूध बेचकर अपने बर्तन को धो रहा हूँ और अब घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सबसे प्योर दूध बेचता हूँ और सबसे पहले मेरा दूध बिक जाता है। ज्यादा बड़ी बातें मत मारो, आज तुम्हारा दूध जल्दी बिक गया, कल तो तुम्हारा दूध सबसे लेट बिका था। हम सब लोग दूध बेचकर जा चुके थे तो तुम्हारा दूध बिका था। योगी जी किसी की बातों में मत आओ, मेरी भैंस का दूध सबसे प्योर है, मुझसे दूध खरीद लो। कितना लीटर दूध लोगे बताओ? 50 रुपए लीटर दूध लगा दूंगा, ले लो। मोदी जी 50 रुपए लीटर तो दूध महंगा बता रहे हो, जो सबसे सस्ता दूध देगा मैं उसी का भैंस का दूध खरीदूंगा। योगी जी 40 रुपए लीटर खरीद लो मेरी भैंस का दूध। तुम 40 रुपए लीटर अगर राहुल बेचोगे तो मैं भी 35 रुपए लीटर के भाव बोलता हूँ। योगी जी ले लो मेरा 35 रुपए लीटर दूध। अरे तुम सब लोगों ने तो दूध की बोली शुरू कर दी। योगी जी लालू जी मेरा दूध खरीद लो, 30 रुपए लीटर लगा दूंगा मैं अपना दूध। मेरी भैंस का दूध बिल्कुल गाढ़ा होता है, खरीद लो। अच्छा अखिलेश तो क्या हमारी भैंस का दूध पतला होता है? मैं भी अपनी भैंस का दूध 25 रुपए लीटर देने के लिए तैयार हूँ, खरीद लो। अरे योगी जी ये तो उल्टी गंगा बहाने लगे, मेरा मतलब दूध की सस्ती बोली लगाने लगे। अब मोदी जी ने 25 रुपए लीटर के हिसाब से दूध की बोली लगाई है, ये बताओ 25 रुपए लीटर क्या प्योर दूध मिलेगा? मुझे लगता है इनका किसी का भी प्योर दूध नहीं है, इनसे दूध नहीं खरीदेंगे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।